नमस्कार, एनएनसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, 2047 तक विकसित होगा देश भारत। यूथ कांग्रेस की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न। सीबीआई ने मणिपुर हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और आजादी की शताब्दी समारोह तक देश के विकसित राष्ट्र बनने की उम्मीद है। बिहार के एक रोहतास जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए सिंह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि देश की सांस्कृतिक जड़ों की सराहना बढ़ रही है और विदेशी अक्षर इंडिया की बजाय भारत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के विचारों को उनके अभियान युवा जोड़ो बूथ जोड़ो पार्टी पदाधिकारियों ने कहा। हैदराबाद में बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी ने कहा कि युवा आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस से जुड़ेंगे। 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 में लोकसभा चुनावों में युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे। ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक युवा संगठन के रूप में हमें पार्टी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है। मणिपुर हिंसा से जुड़े 6 मामलों की जांच के लिए सीबीआई ने DGI रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व में 10 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पूर्वोत्तर राज्य की अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 6 FIR की सीबीआई जांच की घोषणा की। 5 कथित आपराधिक साजिश पर और 1 मणिपुर में हिंसा के पीछे सामान्य साजिश पर। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें NMC न्यूज़।